तो अगर आपने कश्मीर का ट्रिप प्लान किया है तो ये पांच चीजें आपके चेकलिस्ट में होना जरूर चाहिए कश्मीर पहुंचने से पहले। नंबर वन, होटल बुकिंग। वैसे श्रीनगर पहलगाम में आपको होटल्स इजीली मिल जाएंगे बजट से लेकर लग्जरी तक, बट गुलमर्ग का होटल आप कोशिश करें एडवांस में बुक करवाए, वरना लास्ट मोमेंट में आपको शायद अच्छे होटल्स ना मिले और कॉस्टली भी पड़ जाएगा। नंबर टू, कैब बुकिंग। अगर आप अपने ट्रिप को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं बिना कोई टेंशन लिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले से ही कैब बुकिंग करवा के जाइए, ताकि वहां जाकर आपको बार बार टैक्सी बुक करवाना ना पड़े एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वरना जल्दबाजी में आप ज्यादा पैसा दे बैठोगे कैब के लिए और टाइम भी वेस्ट होगा। नंबर थ्री, सिम कार्ड। पूरे जम्मू एंड कश्मीर में आपका कोई भी प्रीपेड सिम नहीं चलेगा वहां, तो आपके पास एक पोस्टपेड सिम होना जरूरी है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने ट्रेवल एजेंट से बात कीजिए जिनके थ्रू आपने कैब बुक करवाया है, उन लोग के पास एक्स्ट्रा सिम होते हैं जो आप यूज कर सकते हो ट्रेवल के दौरान। नंबर फोर, कश्मीर पहुंचने के बाद जो जो एक्टिविटीज आप करने वाले हो, हर एक के प्राइसिंग के बारे में आपको पहले से जानना जरूरी है, ताकि वहां जाकर आपको बार्गेनिंग करने में आसान रहे, वरना आपके साथ स्कैम्स भी हो सकता है। और लास्ट की डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को आप एक बार जरूर देखें अगर आपको हर एक चीज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।